एक्सरसाइज 4.5 का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है प्रश्न एक और दो में प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात कीजिए। दोनों दो अवयव एक और दो नंबर क्वेश्चन है, दोनों के सहखंडज आपको ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो मैं उसको ए मान लेता हूँ। एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है ये, 1 2 3 4, और आपको इसका सहखंडज बताना है। क्या सभी बच्चों को याद है 2 बाई 2 मैट्रिक्स का सहखंडज निकालने का? तो बहुत आसान मेथड था, एडज्वाइंट ए। आपको बताया गया था कि जो लीडिंग डायगोनल होगा मुख्य विकर्ण उसके अवयव क्या कर दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे, और जो हमारे ये बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे ये वाला और ये वाला, इनके साइन बदल दिए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, 4 माइनस 2 माइनस 3 1, ये आ जाएगा इस मैट्रिक्स का एडज्वाइंट। कोई प्रॉब्लम आपको? ओके। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी मैं ए मान लेता हूँ, और ये एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 माइनस 1 2 2 3 5 -2 0 1। ओके ठीक, इसका एडज्वाइंट ज्ञात करना है। 3 बाई 3 का एडज्वाइंट ज्ञात करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट आपको बताया गया है। उसमें मुझे कैपिटल A11, कैपिटल A12 ये सब निकालने रहेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए A11 क्या तरीका होता है, -1 टू द पावर 1 प्लस 1। जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे ना, उस वक्त भी हमने एडज्वाइंट निकाल के आपको दिखाया है। इसके बाद डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छुपा लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लेंगे। 3 5 0 1 ऐसा। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे, -1 टू द पावर क्या हुआ, 2, तो ये +1 बन गया। इसमें सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 0, तो इस तरह से बेटा A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, अब देखो ये करना रहता है, ये तो अब सबको मालूम है, इसलिए मैं अब ज़्यादा ये नहीं करूँगा, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2। अब देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छुपाएंगे, आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा लेंगे, 2 5 -2 1, दो को इसमें गुणा करेंगे 2, -2 को 5 से गुणा करेंगे, -10 आएगा, और वो माइनस और ये माइनस मिलके +10। -1 टू द पावर 3 की वैल्यू कैसे हुई, -1, और ये कितना हुआ, 12, -1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12। A13 इज इक्वल टू, A13 मीन्स -1 टू द पावर 1 प्लस 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये बचा, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 0s are 0, -6, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके कैसा हो जाएगा, प्लस, -1 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 6 क्या हो गया, 6। इसके बाद A21 करेंगे तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छुपा लीजिए, सेकेंड रो छुपा दीजिए, फर्स्ट कॉलम छुपा लीजिए, तो ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, -1 2 0 1 बचा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -0 को बेटा 2 से कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। -1 टू द पावर 3 की वैल्यू बताओ, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1, A21 इज +1, A22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम आपको छुपा देना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छुपा देंगे, ये वाली रो और ये कॉलम छुपा देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 1 2 -2 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस, -2 को 2 से करेंगे तो -4 आएगा, वो माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, -1 की घात 4,
प्लस हो गया, प्लस 1 × 5 8, 2, 3 माइनस 1 to the power 2 + 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम छुपाएंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छुपा देंगे, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छुपा देंगे, क्या बचेगा 1 − 1 − 2 = 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, 0 माइनस, माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 1, माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2। नेक्स्ट A3 1 माइनस 1 to the power 3 + 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छुपा लेना है हमको, माइनस 1 2 3 5 ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5 माइनस 3 × 2 = 6। अब माइनस 1 की घात 4 की वैल्यू प्लस 1 और ये माइनस 11, प्लस 1 × −11 माइनस 11। A32 इज इक्वल टू माइनस 1 to the power 3 + 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 2 2 5 तो 5 − 4 माइनस 1 की घात 5 माइनस 1 आया, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1। A33 माइनस 1 to the power 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम ये छुपा दिया, तो 1 − 1 = 2 3 बचा, 3 माइनस माइनस 2 यानी कि 3 + 2 ये प्लस 1 × 5 + 5। सारे सहखंड हमने निकाल लिए पूरे मैट्रिक्स के सभी अवयवों के, अब हमें सहखंडक चाहिए, सहखंडक जिसे आप एडजॉइंट ए लिखते हो। आपको बेटा याद होगा इसकी वैल्यू क्या होती थी, कैसे सहखंडक बनता था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बस आप वैल्यूज अप्लाई कर दो, A11, A12, A13, A11, A12, A13, 3 − 12 = 6, 3 − 12 = 6, फिर इसके बाद 1 − 5 = 2, 1 − 5 = 2, −11 − 1 = 5, −11 − 1 = 5, इस तरह से। ये जो हमारी ये मैट्रिक्स है ना, ये सेकेंड क्वेश्चन, इस मैट्रिक्स का सहखंडज निकल के आ गया आपका। कुछ बातें समझ आई आपको, नहीं समझ आया, अच्छा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर उन्होंने लिखा, 3 और 4 में सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको क्या सत्यापित करना है, पहले मैं वही लिख देता हूं, A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant of A into I। ये सत्यापित करना है थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, कुछ भी मान लो आप, A मान लो 2 − 3 − 4 = 6। इसके लिए मुझे इसे सत्यापित करना है ये चीज। अब अगर इसे सत्यापित करना है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, पहले ये चेक कर लो। आपको एडजॉइंट ए चाहिए, देखो ए हमारे पास है, एडजॉइंट ए चाहिए और हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए भी चाहिए। तो दो चीजें हम सॉल्व करके निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसको सत्यापित करके देख सकते हैं। अच्छा, तो ये है 2 − 3 − 4 − 6। सबसे पहले बेटा हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, कैसे निकालें, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, −12 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो −12 आएगा, एक ये माइनस और वो −12 मिलके क्या हो जाएगा +12। इस तरह से डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। अच्छा, एक तो हमने निकाल लिया, अभी एडजॉइंट हमको चाहिए। अब 2 by 2 का
मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर एडजॉइंट निकालना भी बड़ा आसान है। कैसे निकालोगे एडजॉइंट इसका? मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दें, इनके साइन बदल दें, तो दो की जगह पर कौन आ जाएगा? -6, ये -3, ये +4 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ये क्या मिल गया हमको? एडजॉइंट। ठीक है, अब इसको सबसे पहले देखो, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी है भैया? ए की वैल्यू है 2, 3 -4 -6 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है? -6 -3 4 और ये 2। चलिए सॉल्व करते हैं, गुणा ही तो करना है आपको। करिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए पहले, तो 2 का -6 से करोगे -12, 3 का 4 से करोगे +12, फिर इसका इस कॉलम से करेंगे, 2 को -3 से करेंगे -6 और 3 को 2 से करेंगे +6। अब इस रो का इस कॉलम से करेंगे, -4 को -6 से करेंगे +24, -6 को 4 से करेंगे -24, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो +4 3 12 और -6 2 12। आप देखें बेटा, ये तो सब एलिमेंट 0 कैंसिल हो जाएंगे सब, ये 0 0 0 0 सारे एलिमेंट्स कैसे हो गए, ये सब के सब 0 हो गए। देखो ठीक है, ये हमने इसको बना लिया। अब ये भी चेक करना है मुझे, तो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए करेंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू बेटा कितनी है देखो आप, एडजॉइंट ए ये हमने निकाला है -6 -3 4 2 -6 -3 4 2 मल्टीप्लाइड बाई ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू ये है 2 3 -6 -4 -6 2 3 -4 -6। अब करिए मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे, -6 को 2 से करेंगे -12, -3 को -4 से करेंगे +12, फिर इसको इससे करना है तो -6 को 3 से करेंगे -18, -3 को -6 से करेंगे +18। अब इस रो को इस कॉलम से करना है तो 4 2 8 -8, फिर इसको इससे करोगे तो 4 3 12 -12। इस तरह से बेटा आप देखेंगे, ये भी तो सब प्लस माइनस सेम एलिमेंट्स कैंसिल होके क्या बना लेंगे? 0 बना लेंगे। अब हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब हमको ये देखना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आई इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बेटा कितनी है? 0 और आई 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में हम एक अचर नंबर से गुणा कर रहे हैं, गुणा करते हैं तो किस किस एलिमेंट में होगा? आंसर है सब एलिमेंट में होगा। तो 0 का एक मल्टीप्लीकेशन सब में होगा, तो 0 0 0 0। और बेटा आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, सारे एलिमेंट 0 0 मैट्रिक्स मिला था मुझे, फिर इसकी वैल्यू हमने यहाँ में निकाली, दिस इज अगेन अ 0 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज ऑल्सो अ 0 मैट्रिक्स। तो तीनों पार्ट आपस में कैसे हैं? इक्वल। अगर तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं तो सत्यापित हो गया कि ये इसके और ये इसके तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। इसमें फोर्थ नंबर पे भी हमको ये करना है, फोर्थ नंबर पे 3 by 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये उसमें भी करके दिखाना है। तो आप प्लीज इसे नोट कर ले, इसके बाद हम उसे करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी मुझे ये सत्यापित करके दिखाना है, और 4 पे ये एक 3 by 3 का मैट्रिक्स है, 1 -1 2 रो वाइज, 3 0 -2 1 0 3, और यही चीजें, यही वाली चीज आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्रूव करके दिखानी, सत्यापित करनी है। उसके लिए जैसा हमने उसमें किया था, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। जरा एक चीज मैं यहां पर देख रहा हूं,
एक लाइन है सी टू, इस लाइन में दो जीरो आ गई ना, इसके सापेक्ष एक्सपेंड करके आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो आर सी टू के सापेक्ष प्रसार करेंगे। कौन सा एलिमेंट है आगे? माइनस वन। इस एलिमेंट की जगह वाला साइन क्या होता है? माइनस। तो माइनस और ये भी माइनस वन, इसको दोनों तरफ से ये वाला एलिमेंट अगर आप छुपा लेंगे तो क्या बचेगा? देखो ये बचेगा थ्री माइनस टू वन थ्री, थ्री माइनस टू वन थ्री, ओके। ये क्या हो जाएगा? प्लस वन, और यहाँ थ्री थ्री जार नाइन माइनस माइनस टू, तो प्लस टू बन जाएगा ये। इस तरह से ये हो जाएगा एलेवन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एलेवन। इसके बाद हमने एडजॉइंट ए चाहिए। अब क्योंकि थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा, लॉन्ग प्रोसीजर। ए वन वन निकालो पहले, तो माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा? जीरो माइनस टू जीरो थ्री, जब मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो माइनस जीरो। इस तरह से पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर ए वन टू करेंगे तो माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू, माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू, और पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो थ्री माइनस टू वन थ्री, मल्टीप्लाई करोगे थ्री थ्री जार नाइन माइनस माइनस टू, नाइन माइनस माइनस टू करेंगे तो प्लस टू। अब ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन, और ये इलेवन, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस एलेवन। ए वन थ्री माइनस वन टू द पावर वन प्लस थ्री। बेटा आप क्या करेंगे बताएं? पहली रो और तीसरा कॉलम छुपा लेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम छुपा लिया, थ्री जीरो वन जीरो। आप सॉल्व करके देखें बेटा, ये पूरा जीरो ही आ जाएगा भैया। फिर ए टू वन माइनस वन टू द पावर टू प्लस वन, दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम, माइनस वन टू जीरो थ्री, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? माइनस जीरो। माइनस वन टू द पावर थ्री, ये माइनस वन बना, माइनस वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री। ए टू टू माइनस वन टू द पावर टू प्लस टू, और दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, वन टू वन थ्री, तो थ्री माइनस टू। इस तरह से ये वैल्यू कितनी आ गई? वन, क्योंकि इसकी भी वैल्यू प्लस वन होगी और वन से मल्टीप्लाई करके वन बनेगा। ए टू टू के बाद ए टू थ्री माइनस वन टू द पावर टू प्लस थ्री, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, वन माइनस वन वन जीरो, मल्टीप्लाई किया जीरो माइनस माइनस वन, जीरो माइनस माइनस वन लिखने आओगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हुई? माइनस वन, माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन। इसके बाद ए थ्री वन माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस वन टू जीरो माइनस टू बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू माइनस जीरो, टू माइनस जीरो, माइनस वन टू द पावर फोर प्लस वन इंटू टू, टू आ गया। ए थ्री टू माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस टू, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ढक दिया, वन टू थ्री माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस टू माइनस सिक्स, माइनस टू माइनस सिक्स, माइनस वन टू द पावर फाइव का क्या हुआ? माइनस वन इंटू माइनस एट, माइनस वन इंटू माइनस एट क्या हो गया? प्लस एट। ए थ्री थ्री माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस थ्री, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, वन माइनस वन थ्री जीरो, इस मल्टीप्लाई किया जीरो माइनस माइनस थ्री, जीरो माइनस माइनस थ्री करेंगे तो प्लस थ्री, ये प्लस वन इंटू थ्री करोगे थ्री, इसलिए एडजॉइंट ए अब हम लिख सकते हैं।
कैसे लिखते हैं ये, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू और ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। ठीक, वैल्यूज लिखी है अब इनकी यहाँ से, जीरो माइनस इलेवन जीरो, जीरो माइनस इलेवन जीरो, थ्री वन माइनस वन, थ्री वन माइनस वन, टू एट थ्री। ये बेटा एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। अब हमें जिन दो चीज़ों की जरूरत थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए, दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। अब हम सीधे एक एक करके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट निकालेंगे और देखेंगे क्या तीनों की वैल्यूज आपस में बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। बराबर आ गई तो सत्यापित हो जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत है। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट पे क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। देखो बेटा ए की जगह पे क्या है भैया, ए की जगह पर ये है वन माइनस वन टू, थ्री जीरो माइनस टू, वन जीरो थ्री। ये हो गया ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए को जो आया है वो लिख देते हैं जीरो थ्री टू, माइनस इलेवन वन एट, माइनस इलेवन वन और एट, जीरो माइनस वन थ्री, जीरो माइनस वन थ्री। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करना है, तो एक को किससे करना है, जीरो से, माइनस वन को माइनस इलेवन से, तो जीरो प्लस इलेवन प्लस जीरो। दो को जीरो से करना पड़ा, वो भी जीरो। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, तो थ्री माइनस वन माइनस टू, थ्री माइनस वन माइनस टू। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, तो टू माइनस एट सिक्स, टू माइनस एट सिक्स। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, थ्री को जीरो से किया जीरो, जीरो को माइनस इलेवन से जीरो, माइनस टू को जीरो से जीरो, तो ये तो सब जीरो हो गए। फिर इस रो को इस कॉलम से करिए, थ्री थ्री जार नाइन, जीरो प्लस टू, नौ जीरो प्लस टू। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, थ्री टू जार सिक्स, जीरो माइनस सिक्स, सिक्स प्लस जीरो माइनस सिक्स। ठीक है ना। अब थर्ड रो को लीजिए और पहले कॉलम से जीरो जीरो जीरो। अब इसको इससे करना है सेकंड कॉलम से, तो थ्री जीरो माइनस थ्री। अब इसको इससे करिए, तो टू जीरो न, टू जीरो नाइन। ये क्या हुआ, इलेवन। ये और ये दोनों एलिमेंट्स जीरो हो गए, ये भी जीरो हो गया, ये नाइन टू एलेवन हो गया, ये भी जीरो। सिक्स टू एट पॉजिटिव, एट निगेटिव, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, नाइन टू एलेवन। आप चाहें तो इलेवन कॉमन कर लीजिए। अगर आप इलेवन कॉमन कर लेंगे तो ये मैट्रिक्स सब एलिमेंट से आएगा, तो वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन। ठीक है, 11 क्या चीज़ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसको पहचाने आप, आई। ठीक है, तो ये पार्ट वन की वैल्यू जो आप देखें, ये इसके इक्वल आ गई ना। ठीक, अब इसके बाद हम पार्ट टू को करके दिखाते हैं आपको, उसको भी ध्यान से देखिए। पार्ट टू पे क्या है बेटा, एडजॉइंट
ए मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक। एडजॉइंट ए की वैल्यू बेटा कहाँ निकाल, ये है 0 3 2 0 3 2 माइनस 11 1 8, 0 माइनस 1 3 मल्टीप्लाइड बाय ए, ए ये लिखा है 1 माइनस 1 2, इसके बाद 3 0 माइनस 2 और फिर है 1 0 3। चलिए मल्टीप्लाई करवाना है फिर से, 3 बाई 3 के मैट्रिक्स हैं, इसको इससे करेंगे 0 प्लस 9 प्लस 2 0 9 2। अब इस रो को इस कॉलम से करिए 0 0 0, अब इस रो को इस कॉलम से करिए 0 माइनस 6 प्लस 6, ठीक। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से कर दिया हमने, अब सेकंड रो को करिए -11 प्लस 3 प्लस 8 सेकंड रो को कॉलम से करना है +11 0 0। अब इस रो को इस कॉलम से करिए तो -22 -2 प्लस 24 -22 -2 प्लस 24। अब इस रो को इस कॉलम से तो 0 माइनस 3 प्लस 3 0 माइनस 3 प्लस 3। अब इस रो को इस कॉलम से करिए तो 0 0 0, इसको इससे करिए तो 0 प्लस 2 0 प्लस 2 प्लस 9। बेटा ध्यान से देखो 9 और 2 11, यहाँ पर 8 और 3 कितने में +11 +11 -11 0 हो गए, -3 प्लस 3 0 0 11 0, -6 plus 6 0 -22 -2 -24 -24 plus 24 0 11। फिर से अगर आप 11 कॉमन करेंगे तो अंदर 1 0 0 1 0 0 0 1 बचेगा, और 11 है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, तो इसकी जगह पर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम आई लिख सकते हैं इस तरह से। बेटा आप देखिए, अब आपको थर्ड पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमने ये सॉल्व किया, इसकी वैल्यू भी इसके बराबर आ गई, इसको सॉल्व किया ये भी इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब है तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये हमने कौन सा कर लिया, फोर्थ नंबर तक कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप इसे नोट करें, फिर हम 5 6 वगैरह आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको, मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिए। प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व तो हो ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक जो भी क्वेश्चन आपको गिवेन है, उन सब के आपको क्या कर, इनवर्स पता लगाने हैं। और ये भी बोला कि जिनका अस्तित्व तो हो उनका ज्ञात करो, इनवर्स का अस्तित्व तो होना और ना होना ये कैसे होता है, क्या आपको याद है? मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, याद रखिए। और यदि किसी अवयव के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ही उसके ए इनवर्स का अस्तित्व है। और इसमें दो तरह की मैट्रिक्स इस पर बताई गई है, एक सिंगुलर और एक नॉन सिंगुलर। इसको बोला गया था
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ऐसा आव्यूह कौन सा आव्यूह कहलाता है? व्युत्क्रमणीय। और इसे कौन सा बोलते हैं? अव्युत्क्रमणीय, क्योंकि इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हम। ये दो कंडीशन याद रखें। तो जब 5 से 11 तक का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, सबसे पहले उसका क्या निकाल के देखें? डिटर्मिनेंट। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसके आगे क्वेश्चन ही नहीं करना फिर आपको। आपको लिख देना है कि दिए गए आव्यूह के ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, और क्वेश्चन छोड़ देना है वहीं से। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है, फिर आपको उसका ए इनवर्स तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करके दिखाता हूं। इसमें एक मैट्रिक्स है 2-2, 4-3, रो वाइज मैंने पढ़ा हुआ है। इसका इनवर्स पता लगाना। आप सभी बच्चे, इनवर्स के लिए भी रूल याद होगा आपको? नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, याद आया? तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो आपको दो चीजें चाहिए। एक उसका डिटर्मिनेंट चाहिए और एक उसका एडजॉइंट चाहिए। ये दो निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, आंसर सॉल्व होके आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले देखो, दो चीजें हमको सॉल्व करनी है ना इसके लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए। इन दोनों में सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाला करोगे, ये बहुत याद रखिए। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट इसलिए निकालेंगे क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा हमको, और हम लिख देंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। और अगर आपने पहले एडजॉइंट निकाला बाद में डिटर्मिनेंट निकाला आपने, तो आप अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो एडजॉइंट निकालना तो आपका बेकार हो जाएगा ना फिर। इस वजह से डिटर्मिनेंट निकालो। कैसे निकालोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6-4, 2 = 8। माइनस 8 करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और 6 और 8 मिलके कितने हो गए? 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 14। इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर है या 0 के इक्वल नहीं है? इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं है? है। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर आप एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 2/2 का है, एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है इसका। क्या होगा बताइए? ये एलिमेंट चेंज किए जाएंगे तो इस 2 की जगह पे कौन आएगा? 3। इन दोनों के साइन बदले जाएंगे, 2 ये -4 और यहाँ पर 2, ये एडजॉइंट आ गया। अब आपको ए इनवर्स चाहिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 14, एंड व्हाट इज एडजॉइंट ए? दिस इज 3, 2 - 4, 2। आप 1/14 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो, या तो 1/14 से हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर दो, या तो हम कह सकते हैं कि 14 से पूरे में, पूरे एलिमेंट में डिवाइड कर दो। एंड बिकॉज दिस इज द मैट्रिक्स, देन यू विल हैव टू डू ईच एंड एवरी ऑपरेशन इन ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स में करना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज नॉट अ डिटर्मिनेंट, दिस इज मैट्रिक्स, सब में करना रहेगा आपको। 3/14, 2/14 कर देंगे तो 1/7, -4/14 अगर करेंगे हम, -2/7, फिर 2/14 कर देंगे, इट इज अगेन 1/7, एंड दिस विल बी द ए इनवर्स ऑफ योर गिवन क्वेश्चन। इसका व्युत्क्रम आ जाएगा। 4.5 का आंसर चेक करो जरा, 4.5 का 5 नंबर। अच्छा, उन्होंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, तो आप चाहें तो ऐसे ही लिख सकते थे। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है -1, 5, -3, 2। आपको इसका भी ए इनवर्स पता लगाना है। तो अभी अभी आपने करके दिखाया आपको,
ठीक है, अब हम इसको आपको करके नहीं दिखा रहे हैं, ये सभी बच्चे अपने आप से करेंगे। आपको सेम इसी प्रोसेस से ए इनवर्स निकाल के दिखा देना है, हो जाएगा आपसे ठीक। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में है बेटा, एक मैट्रिक्स है, दिस इज ऑफ ऑर्डर 3x3, 1, 2, 3, 0, 2, 4, 0, 0, 5, ओके। और इसका आना आपको ए इनवर्स पता लगाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कुछ भी पता लगाने से पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे। चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए प्रसार करना पड़ेगा। प्रसार जिस लाइन पे ज्यादा जीरो है उसके सापेक्ष प्रसार कर दो, तो सी वन के सापेक्ष कर दो। सी वन का पहला एलिमेंट 1, इधर से भी ढक लो, 2, 4, 0, 5, 2, 4, 0, 5। इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस जीरो कितने के बराबर आ गई, 10, एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर नहीं है। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो क्या हम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो निकालना शुरू करें फिर। अभी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है, हमको एडजॉइंट चाहिए। एंड बिकॉज दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो इसका एडजॉइंट का प्रोसीजर वही लॉन्ग प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी आपको। तो हम निकालते हैं, और उसके लिए मुझे सारे सहखंड निकालने पड़ेंगे सभी एलिमेंट्स के। तो ए वन वन से शुरू करते हैं, -1 to the power 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा लेना है, 2, 4, 0, 5, 5 2 are 10 माइनस जीरो, तो कितनी वैल्यू आ गई, 10। नाउ ए वन टू -1 to the power 1 + 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छुपा लेना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छुपा लेना है, 0, 4, 0, 5, तो 0 - 0 बेटा जीरो ही आ जाएगा ये तो। ए वन थ्री -1 to the power 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0, 2, 0, 0, 0 - 0, इट इज अगेन 0। नाउ ए टू वन -1 to the power 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2, 3, 0, 5, 10 - 0, इट इज 10। नहीं, -10, -1 बनेगा ना ये। नेक्स्ट ए टू टू -1 to the power 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1, 3, 0, 5, 5 - 0, ये प्लस वन है, प्लस वन को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट ए टू थ्री -1 to the power 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1, 2, 0, 0, तो 0, 0, 0 काफ़ी आ रहे हैं इस पे। अच्छा, इसके बाद क्या चाहिए, ए थ्री वन -1 to the power 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2, 3, 2, 4 बचा, 8 - 6, -1 to the power 4 की वैल्यू +1 और 2। इसके बाद ए थ्री टू -1 to the power 3 + 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1, 3, 0, 4, तो 4 - 0,
फोर माइनस जीरो माइनस फोर, नेक्स्ट ए थ्री थ्री माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस थ्री, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, वन टू जीरो टू, तो टू माइनस जीरो माइनस वन टू द पावर सिक्स प्लस वन इंटू टू। सारे एलिमेंट्स के सहखंड निकाल लिए, अब हम यहाँ से सहखंडज निकाल सकते हैं। देयर फोर एट जॉइंट ए इज इक्वल टू, आप जानते ही हैं ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। अच्छा, इनकी वैल्यूज लिखिए, टेन जीरो जीरो और टेन जीरो जीरो, कॉलम वाइज लिखेंगे, माइनस टेन फाइव जीरो माइनस टेन फाइव जीरो, टू माइनस फोर टू, टू माइनस फोर टू। ये क्या निकाल लिया बेटा हमने एडजॉइंट, अब हमें तो ए इनवर्स तक जाना है। देयर फोर ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू एडजॉइंट ऑफ ए, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज टेन, एंड व्हाट इज एडजॉइंट ए, टेन माइनस टेन टू जीरो जीरो फाइव जीरो माइनस फोर टू। आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें, और देखो पिछले क्वेश्चन में उन्होंने मल्टीप्लाई नहीं करवाया था ना, इसमें तो मत करवाओ, या देख लो मल्टीप्लाई करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, नहीं कराया जा रहा है तो ठीक है। फिर ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ये मुझे बताओ बेटा आप लोग, ये कौन सा क्रम का मैट्रिक्स है, थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है, और आगे एट नाइन टेन तीनों थ्री बाई थ्री के मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एट क्या लिखा हुआ है देखिए, वन जीरो जीरो थ्री थ्री जीरो फाइव टू माइनस वन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स सभी बच्चे अपने आप से करेंगे, क्या ये आपसे हो जाएगा। देखो थ्री बाई थ्री का हमने एक करके दिखाया ना आपको, अभी सेम यही प्रोसेस यूज करके उसका ए इनवर्स निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, मैट्रिक्स है टू वन थ्री फोर माइनस वन जीरो माइनस सेवन टू वन। एक बार फिर से बेटा इसका भी आपको व्युत्क्रम पता लगाना है, और ये भी थ्री बाई थ्री की है, तो इसको भी आप अपने आप से ही करेंगे, ठीक है नहीं ठीक है भाई। अच्छा, टेंथ नंबर पे मैट्रिक्स जो दी गई है वन माइनस वन टू जीरो टू माइनस थ्री थ्री माइनस टू फोर, इसमें भी बेटा आपको ए इनवर्स पता लगाना है, ये भी थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है, तो इसमें भी आप अपने आप से ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, टेन नंबर तक पहुँच गए हम लोग, ठीक। वैसे इलेवन नंबर भी ऐसा ही करना है, पर उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, आप इसे नोट करिए, तो फिर हम हटा देते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इलेवन में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है वन जीरो 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 कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इसका भी हमें ए इनवर्स ही निकालना है, ठीक है। जैसे ये हमने एट नाइन और टेन लिखे हुए हैं, इनमें आपको सब में ए इनवर्स पता लगाना है, तो सबसे पहले इनके आप क्या निकालने जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर इनमें से किसी का भी डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो आप क्या लिख देंगे उसके नीचे, कि उसके ए इनवर्स का अस्तित्व, और क्वेश्चन को वहीं से छोड़ देना है, नहीं करना उसके आगे। भाई बेटा जब अस्तित्व ही नहीं है तो हम आगे क्यों करें, क्या निकालेंगे फिर उसका, जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है इनवर्स तो,
ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालना रहेगा बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। उसके लिए आर वन के सापेक्ष प्रसार कर दो। आर वन के सापेक्ष अगर हम प्रसार कर देंगे तो वन ये और ये छुपा लिया जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये वन मल्टीप्लाई कर दिया, समझो पूरा यही आ गया। और इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों से अगर आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, और आप सभी लोग इसको अच्छे से पहचानते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये वन हो जाएगा। इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, माइनस वन। क्या ये जीरो के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब है ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए वो आप कर चुके हो, आपको एडजॉइंट चाहिए उसके लिए हम निकालते हैं, एडजॉइंट ए चाहिए, उसके लिए मुझे सारे एलिमेंट्स के सहखंड निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स। तो माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी, माइनस वन। वो माइनस वन इस प्लस वन से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस वन, ए वन टू माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ढक जाएगा। तो जीरो साइन अल्फा, जीरो माइनस कॉस अल्फा, जीरो माइनस जीरो, पूरा जीरो आ जाएगा। फिर ए वन थ्री माइनस वन टू द पावर वन प्लस थ्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जीरो कॉस अल्फा, जीरो साइन अल्फा, जीरो माइनस जीरो, जीरो। इसके बाद ए टू वन सॉल्व करेंगे तो माइनस वन टू द पावर टू प्लस वन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इट विल बी अगेन जीरो। अरे वाह, सारी एलिमेंट जीरो होंगे क्या इसके, चलिए देखते हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या बचेगा बताइए, वन जीरो, जीरो माइनस कॉस अल्फा, यही तो बचा, तो माइनस कॉस अल्फा माइनस जीरो, ये प्लस वन और ये मल्टीप्लाई होके क्या बना लेगा, माइनस कॉस अल्फा, ठीक है ना। आप भी देखते जाइए भाई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वन जीरो जीरो माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस वन टू द पावर टू प्लस थ्री, सेकेंड रो थर्ड कॉलम वन जीरो जीरो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा माइनस जीरो, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई, माइनस वन इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। ए थ्री वन माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जीरो जीरो कॉस अल्फा साइन अल्फा, आप करके देखिए जीरो आ गया ये। ए थ्री टू माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस टू, थर्ड रो सेकेंड कॉलम वन जीरो जीरो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा माइनस जीरो। इस तरह से बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साइन अल्फा,
a33 माइनस 1 to the power 3 plus 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 cos अल्फा, तो cos अल्फा माइनस 0, ये प्लस 1 हो गया और cos अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos अल्फा, सारे एलिमेंट्स का शेषखंड निकल के आ गए। अब इसके बाद एडजॉइंट ए को आप जानते ही हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। वैल्यूज लिख दीजिए, चलिए a11 से स्टार्ट करिए, यहाँ से -100, ठीक है, उसके बाद 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इसके बाद 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस तरह से ये पूरा आ गया। देखो अच्छा, आपको नहीं लगता है पूरे मैट्रिक्स में एडजॉइंट भी वही आया, सारे निशान केवल चेंज हो गए हैं बस, है ना। चलिए एडजॉइंट निकाल लिया, अब बताइए ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/determinant of A into adjoint A, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बताइए -1, और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये लिखी हुई है -100 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बेटा ये -1 बाहर है, अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सब में करा दोगे मल्टीप्लाई, सब में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे एलिमेंट्स के साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 0, फिर 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और इस तरह से आप देखें क्वेश्चन नंबर 11 का इनवर्स भी आपके सामने निकल करके आ गया है। नहीं समझ में आई बात आपको, तो इस तरह से हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, हाँ 12 नंबर को एक नज़र देख लीजिए जरा सभी बच्चे, देखो 12 नंबर पे ए है 3725 और बी है 6879। बेटा इसमें आपको सत्यापित करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए बेटा आप याद करें लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 25 हमने लगा के दिखाया था, उसमें भी ए और बी 2x2 ऑर्डर के दो मैट्रिसेस थे और उसमें भी आपको यही चीज़ सत्यापित करके दिखानी थी, तो ये लास्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 25 में आपको करके दिखाया गया है। इसलिए सभी बच्चों की जिम्मेदारी ये है कि ये आप अपने आप से करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप हमें बताएंगे, ठीक रहेगा। और इसके बाद 13 से 18 तक नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे, आज हम मैथ में इतना ही रखते हैं। आप सॉल्व करिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइए, ठीक है। तो मैथ में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, थैंक यू।